नमस्कार, स्वागत है न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रक्रिया लेकर आए हैं जो आपके जीवन को तनाव मुक्त करने में मदद करेगा। जी हाँ, भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मानसिक तनाव से तक गुजरता हो। वो तनाव फिर चाहे नौकरी का हो या फिर पारिवारिक वजह से हो, हर कोई आज इस तनाव से गुजर रहा है। तो इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। जी हाँ, न्यूज जंक्शन 24 की टीम ने अस्पतालों का दौरा किया तो डॉक्टर विनय खुल्लर ने दावा किया कि हर रोज करीब 50 रोगी ऐसे आ रहे हैं जो मानसिक तनाव का शिकार हैं। चिकित्सकों का तो यहाँ तक दावा है कि यही तनाव अधिकांश लोगों को ब्रेन हेमरेज का शिकार बना रहा है, जिसमें कुछ उपचार के बाद सही हो जाते हैं तो अधिकांश दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अब इस तनाव से बचने के लिए जरूरी नहीं कि आपको दवाओं का ही सेवन करना है। तमाम धार्मिक व आयुर्वेदिक विधियां भी आपको तनाव मुक्त रखने में सहायक साबित हो रही हैं। योग के साथ साथ ये विधियां कितनी कारगर हैं और आप किस तरह से तनाव से मुक्त रह सकते हैं, इस पर न्यूज जंक्शन 24 के ब्यूरो चीफ सौरभ बजाज ने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी से खास बातचीत की तो उनका दावा था कि कई रोगी वो अपने द्वारा सुझाए गए उपायों से सही कर चुकी है। तो आइए आप भी सुनिए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी के खास टिप्स। जी बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया, प्रश्न आपने पूछा है। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम, अगर मैं ज्यादातर लोगों को, अगर मैं 100% में से 80% लोग आजकल तनाव में देखने को मिलते हैं। उसका कारण कोई भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा भी है, वो टीन एज में भी है, 19 ईयर से लेके आप 35 ईयर में जाएं, या फिर आप किसी भी कारण से वृद्ध लोगों में भी तनाव देखने को मिल रहा है। तो इसका जो कारण, मुख्य कारण है कि हमारा जो परिवेश है और पूजा पाठ के प्रति हमारा जो विलुप्त हो रहा है हिंदू धर्म, और इसके अतिरिक्त जो हमारी दिनचर्या है वो खराब होने के कारण यहाँ पर मैं देखती हूँ कि अधिकतर लोग तनाव में रहते हैं। ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से ही मैं यहाँ पर बात करूंगी। जैसे कि हिंदू धर्म पूर्णतः वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। आजकल आप देखते हैं कि कोई भी अगर मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन पुराने समय में इतना डॉक्टर नहीं थे, MBBS भी नहीं होता था। तो ये हमारे हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण इत्यादि छोटे छोटे उपाय करके ही तनाव को दूर किया जाता है। तो मेरा भी प्रयास रहता है, दवाई हम खाएंगे तो उसका हमको साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मंत्रोच्चारण या छोटे छोटे नियम उपाय करके हम लोगों के तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब वो छोटे उपाय क्या है वो मैं आपको बताने का, मुख्यतः क्या होता है कि जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर होता है वही मुख्यतः तनाव में आ जाते हैं। अब चंद्रमा कमजोर किस स्थिति में होता है मैं थोड़ा सा बताने की का प्रयास यहाँ पर करती हूँ। अष्टम भाव में चंद्रमा चला गया तो नीचस्थ हो जाता है, और इसके अलावा लग्न में चंद्रमा बैठ गया हो, इसके अतिरिक्त 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए, ऐसे जातकों का चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो उनको मानसिक स्थिति, थोड़ा सा उनको निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए हम छोटे छोटे उपाय यहाँ पर बताते हैं, जिसमें कि आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, आपने केवल 10 से 15 मिनट आप पूजा पाठ को देंगे तो आपका मानसिक तनाव पूर्णतः लगभग 2 महीने में आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छी स्थिति में देखी हैं। तो उसमें से कह सकते हैं कि काफी हजारों लोगों को जो स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो उनको हमने, क्योंकि हम अगर परेशान होते हैं तो हम कुछ भी करते हैं, तो वो लोग जेन्युइनली परेशान होते हैं और अपने तनाव को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपायों से काफी हद तक लोग अपने आप को नियंत्रित करके तनाव मुक्त हो जाते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। जी बिल्कुल, मेरे पास सभी धर्मों के लोग आते हैं, बात केवल हिंदू धर्म से ही नहीं है, तनाव तो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी को भी, किसी भी धर्म के लोगों को हो सकता है। तो बस भरोसा करने की बात है कि हम उसको कितना भरोसा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हिंदू धर्म पूर्णतः वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है, यहाँ पर कोई भी उपाय बताएं या फिर कोई भी तीज त्योहार, कोई भी पर्व, किसी न किसी वैज्ञानिक कारण, किसी न किसी वैज्ञानिक रहस्य से जुड़ा हुआ है। तनाव को दूर करने के लिए क्या इसमें खान पान की भी कोई प्रक्रिया शामिल है? जी बिल्कुल, हम खाने पीने के लिए भी हम कुछ चीजें जैसे बताते हैं। ऐसे जातकों को चांदी के बर्तन में अधिक भोजन या जल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए, उससे भी उनका तनाव मुक्त रहता है। सफेद चीजों का सेवन करना भी उनके लिए अच्छा रहता है, जैसे कि हम कहते हैं कि पूर्णिमा का उपवास रख लीजिए, पूर्णिमा को सफेद खीर बनाइए, चावल की खीर बनाइए, उसके अतिरिक्त उसको चांद के नीचे 1-2 घंटे फुल मून में आप घूमिए, उससे भी आपका पूर्ण चांद जिस समय आता है तो उस समय उसका भी वैज्ञानिक कारण है कि उस समय चंद्रमा की जो
चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है पूर्णिमा के दिन, तो उससे जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऑक्सीजन आता है, तो वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। खाने पीने के अलावा ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी मानी जाती हैं। व्रत में क्या करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? जी, पूर्णिमा का उपवास जिन जातकों को तनाव रहता है उनको मुख्यतः सोमवार का व्रत रखना चाहिए और इसके अतिरिक्त पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। सोमवार के व्रत के दिन आप सामान्यतः बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन शाम को पूजा के उपरांत ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही पूर्णिमा के दिन प्रातः आप स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करेंगे, सूर्य को धूप दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त व्रत का संकल्प लेकर आप सत्यनारायण की कथा का पाठ करें और सफेद वस्तुओं का दान करना भी तनाव से मुक्ति के लिए मुख्यतः अच्छा कहा गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। नमस्कार।